चलिए स्टार्ट करिए आज इस क्लास को। इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी टॉपिक का नाम है क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से। इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक वीडियो पीछे दे चुके हैं आपको चैनल पे, जिसमें आपको थ्योरी दिया गया कंटिन्यूटी का और एक्सरसाइज थ्योरी के बाद कुछ उदाहरण दिए कि वो थ्योरी क्लियर हो जाएगा। और उस उदाहरण में हमने लिया एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1-4। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज प्रॉब्लम इस चैप्टर का 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पहले उस क्वेश्चन को लिख रहे हैं। इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक्स तब है जब कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और ये फाइव तब है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। इसके बारे में पूछ रहा है कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बट एट एक्स इक्वल टू वन वाट एट एक्स इक्वल टू टू वन। क्वेश्चन समझिए विद्यार्थी, कह रहा है इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स। क्या ये जो फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ है जो एफ एक्स के द्वारा दिया गया है। तो चलिए जो एफ एक्स दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं, गिव एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू वन फाइव एक्स ग्रेटर देन वन। तो इस फंक्शन के बारे में पूछ रहा है क्या ये कंटिन्यूअस है एट एक्स बराबर जीरो एट एक्स बराबर वन एट एक्स इक्वल टू टू। मतलब आपको यहां पे तीन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस चेक करने को बोला है, जीरो पे, वन पर और टू पर। तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक करने के लिए तीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला चीज कि फंक्शन डिफाइंड यदि होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, अनडिफाइंड होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरा, फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, यदि ग्राफ रेगुलर आए, टूट कर नहीं आए, कहीं भी टूटा हुआ ग्राफ ना हो तो वो कंटिन्यूअस होगा। यदि किसी पॉइंट पे ग्राफ टूट गया तो जिस पॉइंट पे ग्राफ टूटता है उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और तीसरा चीज है लिमिट के द्वारा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे फंक्शन का मान। जैसे जीरो पे चेक करना है तो जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो का राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन का वैल्यू चेक करना होगा। ठीक उसी प्रकार वन का है तो वन का लेफ्ट हैंड लिमिट, वन का राइट हैंड लिमिट और वन पर फंक्शन का क्या मान आता है, यदि तीनों बराबर आता है तो कंटिन्यूअस अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। फिर टू पे है तो टू पे चेक करना होगा वही तीन चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और दो पर फंक्शन का मान। यदि तीनों बराबर आएगा तो वो फंक्शन दो पर कंटिन्यूअस होगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यदि हम लिमिट की बात करें तो आपको बड़ा लंबा काम करना पड़ेगा। क्यों लंबा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे तीन पॉइंट्स हैं, जीरो है, वन है, टू है। तो जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जीरो पर जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो का राइट हैंड लिमिट और जीरो पर फंक्शन करना। फिर वन है तो वन पर भी वही तीन स्टेप, वन का लेफ्ट हैंड लिमिट, वन का राइट हैंड लिमिट और वन पे फंक्शन करना। फिर टू पे, टू पर भी वही तीन स्टेप, टू का लेफ्ट हैंड लिमिट, टू का राइट हैंड लिमिट और टू पर फंक्शन का मान। इतना चेक करना पड़ता है, काफी लंबा प्रोसेस आ जाता है। यदि इस प्रोसेस से बचना है तो सबसे इजी है ग्राफ प्लॉट करते। ग्राफ प्लॉट जब करेंगे तो ग्राफ बनाने के बाद जिस जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पे देख लेंगे, यदि उस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ है तो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस, उस पॉइंट पे ग्राफ टूटा हुआ नहीं है तो
उस पॉइंट पे ग्राफ कंटिन्यूअस। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ करने के लिए एक चीज और, ये जो एफ एक्स है विद्यार्थी, हम लोग जानते हैं जनरली वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का रूप होता है। कभी भी जब फंक्शन हम लोग जनरली लिखते हैं तो वाई इक्वल टू एफ एक्स का रूप लिखते हैं, मतलब एफ एक्स के बदले आप वाई लिख सकते हैं। तो वाई इक्वल टू एक्स, ये तब जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और फाइव तब जब एक्स ग्रेटर देन वन, मतलब जब x का वैल्यू 1 से बड़ा आप रखते हैं, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा जैसे 1.1, 1.2, 1.01 या और बड़ा 2, 3, 4, 5, तो उस केस में y का वैल्यू हमेशा 5 आ रहा है। यदि x का वैल्यू 1 के बराबर रखते हैं या 1 से छोटा रखते हैं तो उस केस में y का वैल्यू और x का वैल्यू बराबर आ रहा है, मतलब जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा y इक्वल टू x। पर सिंपल सा ग्राफ आ जाएगा। पहली बात, y इक्वल टू x को यदि फंक्शन के नजर से देखें तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट प्राप्त होगा, x का जो वैल्यू रखेंगे वही y प्राप्त होगा, क्योंकि y इक्वल टू x नजर आ रहा है। तो ये नजर तब आ रहा है जब x लेस देन इक्वल टू 1 का कंडीशन है, मतलब x का 1 के बराबर या 1 से छोटा कुछ भी रखते हैं तो y इक्वल टू x आता है। तो चलिए अब ग्राफ हम प्लॉट करें। ग्राफ के लिए एक्सिस लिया जाता है विद्यार्थी x, x डैश, y, y डैश। 10th क्लास में आप जाने होंगे ग्राफ बनाने के। चलिए नहीं भी जानते तभी हम समझा लेंगे। x का वैल्यू, तो x का वैल्यू मान लीजिए यहां पे 1, 2, 3, इस टाइप से कुछ भी आप दर्शा सकते हैं। इधर माइनस x डैश है, डैश जब बन जाता है तो माइनस होता है विद्यार्थी -2, -3, इसी टाइप से और भी -4, -5, ऊपर y है और नीचे y डैश है। ऊपर y है तो y का पॉजिटिव वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, हम 5 तक इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि हमारे फंक्शन में y इक्वल टू 5 का भी एक डाटा तैयार है, इसलिए हम 5 तक दर्शा दिए। और भी दर्शा सकते हैं, नहीं भी दर्शा सकते हैं, नीचे माइनस है, ऐसे जरूरत नहीं आने वाला है इसका, रह जाए। अब प्लॉटिंग करिए तो और करेंगे, y इक्वल टू x का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो वो हमेशा ओरिजिन से जाता है और 45 डिग्री के हिसाब से एंगल बनाता है। तो y इक्वल टू x का ग्राफ ओरिजिन से जाएगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन तब ये ग्राफ हम बना पाएंगे जब x का वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटा, x का वैल्यू 1 या 1 से छोटा, तो 1 है तो 1 के क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 का इक्वल है तो 1 के क्लोज इंटरवल, और 1 से छोटा है तो 1 के लेफ्ट साइड। अच्छा एक चीज गौर करते हैं, y इक्वल टू x है मतलब जब x का वैल्यू आप 1 रख सकते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए x और y का डाटा भी तैयार कर सकते हैं। 1 रखिए तो y इक्वल टू x, तो y भी 1, 0 रखेंगे तो 0, माइनस x, x का वैल्यू 1 से छोटा तो माइनस 1, मतलब x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y भी 1, 0 रखते हैं तो 0, x का वैल्यू माइनस 1 तो y का वैल्यू माइनस 1, इस टाइप से। यदि इन बिंदुओं को आप स्केल की मदद से मिला दें तो एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। ये ग्राफ तैयार हुआ आपका y इक्वल टू x का, कंडीशन क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1। एक स्टेप का ग्राफ तैयार हो गया। फिर एक और है, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कांस्टेंट, y इक्वल टू 5, 5 क्या है, कांस्टेंट।
तो फाइव कांस्टेंट है मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हैं तो वाई इक्वल टू फाइव आता है, क्योंकि वाई का मान पांच दिया हुआ है, इसमें एक्स का कोई टर्म नहीं है, मतलब ये एक्स से स्वतंत्र है, मतलब एक्स का कोई भी मान आप रखते हैं तो वाई का मान पांच आता है। लेकिन हम कोई भी मान नहीं रखते, एक कंडीशन रख गया है कि एक्स का वैल्यू वन नहीं, वन से बड़ा, तो वन नहीं रखना है। यदि वन रखते हैं तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा, वन नहीं रखना है, वन से बड़ा रखना है, वन से बड़ा जैसे वन पॉइंट समथिंग, तो वाई इक्वल टू फाइव। फिर और बड़ा टू रखते हैं तो फाइव फाइव, इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। चूंकि यहाँ एक्स इक्वल टू वन नहीं है तो ये एक्स का एक्स के वन के वैल्यू के सामने हम लोग ओपन इंटरवल डालेंगे। ये जो व्हाइट कलर का गोला बनाते हैं वो ओपन इंटरवल होता है, और ब्लैक कलर का जो गोला बनाते हैं हम लोग वो आपका क्लोज्ड इंटरवल दर्शाता है। ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, कांस्टेंट है वाई इक्वल टू फाइव, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा स्ट्रेट लाइन। अब हम देखते हैं जब ग्राफ प्लॉटिंग हो गया तो अब ये देखिए कि यदि आप यहां से ग्राफ देखते हैं तो क्या आपको पेन या स्केच यहां तक में कहीं उठाना पड़ा? नहीं, यहां से हम लगातार जा रहे, कंटिन्यू जा रहे हैं। लेकिन फिर इस प्लॉटिंग को करने के लिए, इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या यहां से हम रेगुलर जा रहे हैं, उठाकर यहां शिफ्ट कर रहे हैं? बात समझ, आप यहां से स्टार्ट करके यहां तक का कहीं भी स्ट्रेट लाइन आप ड्रा करते हैं तो कहीं आपको पेन को कॉपी से हटाना नहीं पड़ता है, मतलब यहां तक आपका लगातार है, कंटिन्यू है ग्राफ। फिर वन के सामने, एक्स इक्वल टू वन के सामने जैसे ही आते हैं तो यहां से फिर आगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहां पर से हमें स्केच हटाना होता है, और हटा करके यहां से शिफ्ट करके आगे फिर रेगुलर चलता है, मतलब आपका पेन कॉपी से एक्स के किस स्थान पर हट गया, मतलब कॉपी और पेन का संपर्क किस स्थान पे टूट गया। एक्स बराबर, अब गौर करो, एक्स बराबर किस स्थान पे, कौन सी संख्या पे, क्या एक्स इक्वल टू जीरो पे, नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे, क्या एक्स इक्वल टू टू पे, नहीं, एक्स इक्वल टू थ्री पे, नहीं, आपको लिफ्ट हुआ पेन कॉपी से हटा एक्स इक्वल टू वन पे, मतलब हम कर सकते हैं ग्राफ से एफ एक्स इज क्या एक्स इक्वल टू वन पर कंटिन्यूअस, तो नहीं, यहां पर तो हमें पेन हटाना पड़ा, फिर दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा, मतलब टूट गया वो जो रूटीन वे में चल रहे थे। तो एफ एक्स इज क्या हम कहेंगे विद्यार्थी, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन, मतलब एक्स इक्वल टू वन पर एफ एक्स क्या है, असंतत है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्स इक्वल टू जीरो का चेक करना था वन पे और टू पे, तो वन का तो जवाब आ गया कि डिसकंटिन्यूअस। अब जीरो पर और टू पे तो देखिए, तो जीरो पर जो ग्राफ आ रहा था क्या कहीं पे भी जीरो पर हमें पेन हटा के फिक्स करना पड़ा? नहीं, लगातार जा रहा है जीरो के आगे पीछे। टू एक्स इक्वल टू टू, टू के स्थान पे क्या पेन शिफ्ट करना पड़ा? नहीं, वन के स्थान पे हम लोग यहां से पेन हटाए, यहां शिफ्ट किए, फिर कहीं भी टूटा हुआ ग्राफ नहीं है। तो ग्राफ देखने से हमें लग रहा है, और हमें लगता है आपको भी लग रहा होगा कि एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू पर ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो यहां लिख देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो तथा एक्स इक्वल टू टू पर एफ एक्स संतत है। तो बस रेगुलर देखना, मेरे पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं लेना है विद्यार्थी आपको, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, आप नोट कर सकते हैं, ये आपका फंक्शन का सिंबल का मिटा देना, ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम मिटाएंगे सिक्स नंबर प्रॉब्लम से, देखेंगे बस इतमान से देखिए, थोड़ा सा स्पीड से समझिएगा तो कोई भी पेपर आपको आसान हो जाएगा।
और थोड़ा सा हड़बड़ में रखिएगा तो परेशान आप हो जाइएगा। तो इत्मीनान से देखते जाएंगे, प्रॉब्लम बनाने से पहले एक वीडियो पीछे हम थ्योरी का देख चुके हैं, रिक्वेस्ट हम यही कह देंगे करेंगे कि आप उस वीडियो को देख लें एक बार दो बार करके, ताकि आपका थ्योरी क्लियर हो जाए, प्रॉब्लम में कोई इश्यू ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ऊपर स्टेटमेंट बनाया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3 ये तब है जब x लेस देन इक्वल टू 2, ये तब है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। बात समझिएगा, इस क्वेश्चन को यदि आप समझ जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपसे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, फाइन याद करिए ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑल पॉइंट सभी बिंदुओं को, कौन से बिंदु तो ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब वे बिंदु ज्ञात करना है जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो, कंटिन्यू पॉइंट्स नहीं ज्ञात करना, कुछ पॉइंट्स ऐसा होगा इन केस कि जहां पे ग्राफ टूट रहा होगा, जहां पे डिसकंटिन्यू हो रहा होगा, तो उसी पॉइंट को ज्ञात करें, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय इतना, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। तो चलिए सॉल्यूशन, एक बात और हम समझाना चाहेंगे विद्यार्थी, कोई भी प्रॉब्लम आप पढ़ रहे हो बना रहे हो तो एक बार दो बार जब आप क्वेश्चन पढ़ लें तो डायरेक्टली ये निर्णय नहीं ले लें कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। पहला निर्णय ये लीजिए कि प्रश्न जब हम पढ़ लिए तो क्यों ना एक से दो लाइन हम करके देखें, लिख कर देखें, कुछ ना कुछ काम आगे रास्ता निकल जाएगा। तो इतना जब हम पढ़े ना तो हमें मालूम नहीं कुछ पता चला, मान लो सपोज करो ऐसे, हमें तो सारा पता है कि आगे करना क्या है, मान लो कि हमें पता नहीं चला तो कम से कम इतना दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम अपनी कॉपी पे गिवन करके लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 और कंडीशन डाला हुआ एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 ये कंडीशन डाला हुआ है x ग्रेटर देन 2। अब करना क्या है तो चेक करना है, ढूंढ के निकालना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स मतलब x के वे वे मान याद करना होगा जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू। अब x का कौन सा मान होगा, बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, x बराबर 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि माइनस 1 होगा कि माइनस 2 होगा माइनस 3 होगा, ये सोचना ही नहीं। तो सोचना क्या है, बड़ा सिंपल इशारा करेगा, प्रश्न ही इशारा करेगा कि आपको सोचना क्या है। तो सोचते हैं जरा फिर से, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो आप पढ़ेंगे 2x प्लस 3 तो हम बोलेंगे क्या सिर्फ वही है, तो नहीं सर और है 2x माइनस 3, तो क्या ये दोनों सेम कंडीशन में है, नहीं। तो आपको लग रहा है कि अरे भैया फंक्शन ही तो दुविधा में है, एक बार ये मान बता रहा है एक बार ये मान बता रहा है और बोल रहा है वो कंडीशन कि x ऐसा होगा x ऐसा होगा, मतलब x के बारे में इस फंक्शन को थोड़ा सा शक है कि एक्स का मान यदि 2 के बराबर या 2 से छोटा हो रहा है तो ये फंक्शन और 2 से बड़ा हो रहा है तो ये फंक्शन, मतलब उसको जो भी शक हो रहा है वो 2 पर हो रहा है, एक्स इक्वल टू 2 पे हो रहा है, क्योंकि एक्स का मान 2 से बड़ा या 2 से छोटा या 2 से बराबर हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू थोड़ा चेंज हो रहा है। अब अलग बात है कि इसका मान चाहे 2 से छोटा या 2 से बड़ा वाला देखें, हो सकता है सेम आ जाए, तो जो शक है शक की सुई किस पे जाएगी तो 2 पे। हमारे पढ़ाई के अनुसार हम बता रहे हैं कि साइड में x का जिसके साथ कंडीशन हो विद्यार्थी,
एक्स जिसके साथ लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू, जब भी चेक करिए तो उसी पॉइंट पर आप चेक करिए, उसमें भी थोड़ा और दिमाग लगेगा। मान लीजिए यही पे एक्स का तीन चार मान रखा, तो हम हो सकता है कुछ मान बिना चेक किए हुए छोड़ देते, लेकिन यहां पे एक्स का एक मान है तो दो पर चेक करेंगे, हो सकता है दो को बिना चेक किए हुए भी छोड़ देते। समझिएगा, यदि एक्स और दो के बीच तीन साइन नहीं रहेगा तो दो पे हम चेक नहीं करेंगे। कौन हो, एक्स लेस देन दो, एक्स ग्रेटर देन दो और एक्स इक्वल टू दो। अब ये तीन साइन होना जरूरी क्यों है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन, क्योंकि लेस देन जब रहता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकलता है, ग्रेटर देन रहता है तो राइट हैंड लिमिट निकलता है, और इक्वल टू रहता है तो फंक्शन ऑफ वैल्यू निकलता है। और जब तक ये तीनों नहीं निकल पाएगा, जब तक इन तीनों का समानता या असमानता हम नहीं देख पाएंगे, और जब तक समानता और असमानता नहीं देख पाएंगे तब तक हम ये नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे चर्चा करने के लिए उस संख्या के साथ और एक्स के साथ तीन साइन होना जरूरी है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू, ताकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू आप निकाल सके। चलिए तो यहां तीनों साइन है विद्यार्थी, देखिए लेस देन यहां है, इक्वल टू यहां है, ग्रेटर देन यहां है, तो चलिए पहले हम लोग दो पर चेक करेंगे। पहले क्या, सिर्फ दो पर ही चेक होगा ये प्रश्न, यदि दो पे कंटिन्यूअस आ गया ये फंक्शन तो हम कह देंगे कि इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स नहीं होंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। यदि दो पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एक्स बराबर दो पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब हम कहेंगे इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस पॉइंट एक मिला, कौन सा मिला, एक्स इक्वल टू दो। ओके, चलिए थोड़ा सा मुझवानी भी आप देख सकते हैं, एक्स लेस देन इक्वल टू दो का कंडीशन है तो फंक्शन का वैल्यू ये, और ग्रेटर देन दो का वैल्यू है तो ये। ऐसा करते एक बार इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू दो रख दीजिए, एक बार इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू दो रख दीजिए, ये सॉल्व लिखा है मुझवान। यदि दोनों वैल्यू बराबर है तभी आप आगे कुछ सोच सकते, यदि बराबर नहीं आया तो एकदम आप ढूंढ के डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होने वाला है। जैसे यहां रख देते हैं दो एक्स के जगह, तो दो गुना दो चार, चार प्लस तीन सात, यहां दो रखते हैं तो दो प्लस दो चार, चार माइनस तीन तो एक, एक जगह सात आ रहा है एक जगह एक आ रहा है, बराबर नहीं होगा, गारंटी है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर दो पर। अब उस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग देख रहे थे ये पूरा कहानी करके इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन उससे पहले फिर से बात करते हैं वैसे विद्यार्थी को जिनको इतना के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो पहली बार आप एक क्लास जो वीडियो का हम डाले हुए थ्योरी का वीडियो, उस वीडियो को आप इत्मीनान से देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो एक एक स्टेप समझ में आएगा और आपको खुद आभास हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि चलिए इस लाइन के बाद पक्का यही लाइन हम करेंगे। सबसे पहले ये फंक्शन दिया हुआ था, फंक्शन लिख दिए, इसके बाद हमें कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, तो आप थ्योरी से देखेंगे तो पाएंगे कि आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी के लिए कंसेप्ट में दिया गया होगा एक संख्या रेखा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बीच में एक पॉइंट दर्शाया गया होगा विद्यार्थी ए। हम ए वहां इसलिए दर्शाए होंगे क्योंकि वो जो थ्योरी दिए होंगे ए पर चेक किए होंगे, एक्स बराबर ए पर चेक किया गया होगा, तो यहां पर हम ए नहीं दर्शाएंगे, क्या दर्शाएंगे, दो, क्यों, क्योंकि एक्स बराबर दो पर चेक करना है। अब उस थ्योरी में आप देखेंगे तो पाएंगे कि हमने कहा होगा कि इस स्थान पे अपने आप को अनुभव करेंगे और यहां से आपका राइट हैंड इधर है,
तो इस तरफ राइट हैंड लिमिट लिखिए। जैसे ही लिमिट है तो x को टेंस कराइए दूसरी ओर, क्योंकि लिमिट हमेशा टेंस करता है। तो यहां से इस तरफ जाते हैं तो आपका है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट जैसे ही लगा तो x को टेंस कराइए फिर से दूसरी ओर। अब ये बात करते हैं राइट, दो से राइट कब आप जाएंगे, जब दो से बड़ा रहेगा x कि छोटा रहेगा, तो ऑटोमेटिक है x का मान दो से बड़ा रहेगा, x ग्रेटर देन। लेफ्ट तब जाएंगे, तो लेफ्ट तब जाएंगे जब x का वैल्यू दो से छोटा होगा। ओके, अब बात करते हैं x ग्रेटर देन, x का मान दो से बड़ा, तो दो से बड़ा कब तैयार आपको मिलेगा, जब x बराबर दो पुट करिएगा। नहीं, हमें तो दो से बड़ा चाहिए, तो दो पुट करेंगे तो दो से बड़ा नहीं मिलेगा, तो क्या पुट करेंगे, तो हमें दो से बड़ा चाहिए तो दो में कुछ जोड़ कर पुट करेंगे, तो वो जुड़ने वाली राशि लिया जाता है h, जो h जो है बहुत छोटा सा चेंज होता है। तो x इक्वल टू टू प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन टू है, मतलब x का वैल्यू दो से छोटा, दो से छोटा कहने का मतलब है तो दो से छोटा तब होगा जब दो में कुछ घटाएंगे, तो उस केस में पुट होगा x इक्वल टू टू माइनस h। ये स्टेप तैयार होने के बाद इसी को हम यहां कैलकुलेशन के रूप में लिखेंगे, उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट लग गया तो लिमिट लिखेंगे x टेंस टू टू, और लिमिट के साथ हमेशा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू टू, लिमिट के साथ हमेशा फंक्शन रहता है, एकदम बात लीजिए। अब एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू यहां से ढूंढ के रखने जाएंगे, जैसे ही यहां से जाएंगे विद्यार्थी, तो जो तेज विद्यार्थी उनको तो समझ में आ रहा होगा कि एफ एक्स का ये वैल्यू लगाएगा या ये वैल्यू लगाएगा, लेकिन जो कमजोर होंगे विद्यार्थी उनको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। मेरी पढ़ाई में कोई कंफ्यूजन नहीं, एफ एक्स आप भी बोल दीजिए यार कि कौन सा वैल्यू रखेंगे, फिर से हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, ये जो एफ एक्स का वैल्यू हम रखने वाले हैं कहां से रखेंगे, पहला क्वेश्चन। तो जवाब आएगा एफ एक्स का वैल्यू या तो ये रखाएगा या ये। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये जो एफ एक्स का वैल्यू हम रखने वाले हैं वो कौन से लिमिट में रखने वाले हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में या राइट हैंड लिमिट में, तो जवाब है लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब हुआ तो हम क्वेश्चन अगला करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इस फिगर में कहां है, यहां है, यहां जब है तो उस लेफ्ट हैंड लिमिट के कंडीशन में क्या लगा हुआ है, तो जवाब मिलेगा एक्स लेस देन टू। अब हम कहेंगे यही एक्स लेस देन टू का कंडीशन कहां है, ये 2x प्लस 3 वाले में कि 2x माइनस 3 वाले में, ऑटोमेटिक जवाब आएगा कि एक्स लेस देन टू यहां है 2x प्लस 3 वाले में, तो एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस, क्योंकि ये लिमिट का सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं या x बराबर 2 माइनस h पुट कर सकते हैं, ऐसे बटा में रहे या कुछ और ऐसा लग रहा है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पहले आप पुट कर दिया करिएगा, अभी पुट करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिमिट रख दें। x टेंस टू 2 तो x के जगह 2 रख देंगे, तो 2 गुना 2 प्लस 3, 2 गुनी 4 जोड़ 3 तो 7। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही आ गया तो फिर हम वही कमजोर विद्यार्थी के नजर से हम सोचें कि अगला काम क्या करेंगे, तो हमें जवाब मिलेगा कि इस फिगर के अनुसार हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा हुआ था तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, राइट हैंड लिमिट लिखा हुआ है तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे फिर से, तो राइट हैंड लिमिट, जैसे ही यहां लिमिट शब्द बोले तो लिमिट लगा देंगे, और राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू 2 है, और लिमिट के साथ फंक्शन हमेशा रहता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट में एफ एक्स रखने वाले हैं, फिर यहां से पूछ,
एफ एक्स का वैल्यू, तो यहां से ढूंढने जाएंगे तो दो वैल्यू दिखाई देगा। अब कौन रखे कौन छोड़े, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं यदि ध्यान देंगे तो। राइट हैंड लिमिट में लिखने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट में कंडीशन क्या है ये देखिए, एक्स ग्रेटर देन दो, एक्स ग्रेटर देन दो, यही चीज यहां दिखाई दे रहा। और इस केस में एफ एक्स का वैल्यू है 2x-3, तो वो रखा जाएगा 2x-3। अब लिमिट रख देंगे, x टेंस टू 2 है तो x के स्थान पर 2, तो 2 गुना 2 माइनस 3, तो दूनी 4 में 3 घटाएंगे तो 1। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेप होता लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन ऑफ a। तो यहां a नहीं निकाल के बल्कि फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी का कंडीशन होता है विद्यार्थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों बराबर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कोई दो बराबर एक नहीं बराबर, क्या कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस का कंडीशन है तीनों बराबर होना चाहिए, तब f2 निकालना होगा। लेकिन इस प्रश्न को यदि आप इत्मीनान से देखे होंगे तो आप कह सकते हैं कि f2 बिना निकालने हुए भी हम निर्णय ले सकते हैं, वो कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को देखकर। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू 7, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू 1, मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब इनके f2 का मान निकालते हैं, वो कुछ भी आ जाए, चाहे वो लेफ्ट के बराबर चाहे राइट के बराबर, लेकिन तीनों बराबर मुश्किल है। जब तीनों बराबर मुश्किल है, यहीं पे लेफ्ट और राइट पता चल गया इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट चाहे कुछ भी आ जाए क्या कंटिन्यूस कर देगा, नहीं करेगा। अच्छा ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप निकाले थे x इक्वल टू किस पॉइंट पे निकाले थे, तो जवाब आएगा 2 पर, मतलब 2 पर जब लेफ्ट लिमिट निकाले और 2 पर राइट लिमिट निकाले तो बराबर नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं f x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब हम कह सकते हैं x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स असंतत है। समझ में आया होगा, तो कुछ विद्यार्थी के माइंड में यह आ रहा होगा क्या सर एफ टू हम यहां निकाल देते तो गलत हो जाता, गलत नहीं होता, तो क्यों नहीं निकाले, क्योंकि यदि इतना करने से ही हमारा जवाब आ रहा है तो नेक्स्ट निकालने का क्या मतलब रह जाता, निकाल भी देंगे गलत नहीं होगा, नहीं निकाले तब भी गलत नहीं होगा, निकाले तो समय बर्बाद होगा, नहीं निकाले तो उतना का समय बचा। चलिए आप नोट कर सकते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट 7, सेवन नंबर क्वेश्चन जो है दिया हुआ उसको हम लिखते हैं, गिवन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 तब जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस 3, इतने बराबर माइनस 2x तब जब माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, और इतने बराबर 6x प्लस 2 तक जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालना है, तो अब यहां किस किस पॉइंट पे चेक होगा, तो साइड का कंडीशन देखिए, साइड में x का वैल्यू जिसके साथ लेस देन ग्रेटर देन रहा है उन उन बिंदुओं पे चेक होगा। तो साइड में देखेंगे तो हमें दो संख्या नजर आएगा, एक माइनस 3 और एक 3, क्या हो सकता है 3 पे चेक करने का जरूरत हो, माइनस 3 पे जरूरत नहीं हो, हो सकता है दोनों पे जरूरत हो, सकता है किसी पे जरूरत नहीं हो चेक करने का, पर ये निर्णय ले लीजिए आप विद्यार्थी कि माइनस 3 पे चेक होगा या नहीं होगा, 3 पर चेक होगा या नहीं होगा।
तो माइनस तीन के साथ तीन साइन होना चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। गौर करते हैं, मतलब एक बार x लेस देन माइनस तीन, एक बार x ग्रेटर देन माइनस तीन, एक बार x इक्वल टू माइनस तीन। हम अपने विद्यार्थियों को बताते हैं ये जो सिंबल होता है इधर बड़ा होता है इधर छोटा दिखाता है। यदि ऐसा सिंबल है तो इधर बड़ा होता है इधर छोटा होता है। अब एकदम बेसिक नॉलेज हम दे रहे हैं वैसे विद्यार्थी को जिनको इस साइन में भी प्रॉब्लम होता है कि ग्रेटर देन किसको पढ़ते हैं, लेस देन किसको पढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ विद्यार्थी संपर्क में आए थे जो बोल रहे थे सर इसमें प्रॉब्लम आता है, तो उनको हम सिंपल तरीका बताते हैं। आप अपना मुंह को देखते हैं, मुंह को खोल के देखिए और मुंह को बंद करके देखिए। मुंह जितना बड़ा खोलेंगे उतना साइज बड़े साइज का मिठाई आपके मुंह में चला जाएगा, मुंह जितना छोटा खोलेंगे उतना छोटा साइज का मिठाई मुंह में जाएगा, मुंह बंद रखेंगे तो कुछ नहीं जाएगा। कहने का मतलब है जिधर मुंह खुला हुआ है, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा, जिधर मुंह बंद है उधर छोटा। तो चलिए इधर देखिए, इधर ये मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ा, इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर बड़ा। चलिए तो हम ये कहना चाह रहे हैं एक बार एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ होना चाहिए, एक बार माइनस तीन के तरफ होना चाहिए, एक बार इक्वल टू होना चाहिए। बड़ा बेसिक कंसेप्ट ये हो जाता है, इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलते देखते हैं माइनस तीन के साथ वो तीन चिन्ह है या नहीं, कौन कौन तीन चिन्ह। तो माइनस तीन के तरफ एक बार मुंह खुला हुआ, एक बार एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ, एक बार इक्वल लगा हुआ। देखिए माइनस तीन के तरफ यहां मुंह खुला हुआ है, यहां माइनस तीन और एक्स में एक्स के तरफ मुंह खुला हुआ है और यहां इक्वल टू लगा हुआ है। मतलब माइनस तीन पे हम चेक करेंगे, फिर तीन के साथ देखेंगे तो तीन के साथ भी तीन चिन्ह होना चाहिए, एक बार तीन के तरफ मुंह खुला हुआ, एक बार एक्स के तरफ, एक बार इक्वल टू। यहां देखिए तीन के तरफ, यहां एक्स के तरफ, यहां इक्वल टू। मतलब इस प्रश्न में हमें दो काम करना होगा, एक बार माइनस तीन पे चेक करना होगा विद्यार्थी और एक बार तीन पर चेक करना होगा। तो चलिए पहले एक स्टेप में चलते हैं, दिया गया इतना है तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू माइनस तीन, जब माइनस तीन पे आप चेक कर रहे हैं तो जिस भी पॉइंट पे जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में दो पर चेक किए थे तो एक संख्या रेखा खींच करके प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और यहां पर हम दो दर्शाए थे और इस प्रश्न में हम लोग दर्शाएंगे माइनस थ्री, इस प्रश्न में हम लोग दर्शाएंगे माइनस थ्री। माइनस थ्री की इस तरफ जाएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरफ जाएगा तो राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, लेफ्ट लिमिट में एक्स लेस देन माइनस थ्री, राइट लिमिट में एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री। अब लेफ्ट है तो पुट करेंगे क्या विद्यार्थी, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री माइनस एच, लेफ्ट में माइनस थ्री में एच घटेगा राइट में जुड़ेगा क्योंकि माइनस तीन से बड़ा चाहिए, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री प्लस एच। चलिए जब ये डाटा तैयार हो गया तो अब आपको वैल्यू निकालना होगा कौन कौन सा पीछे के प्रश्न को देखते हुए, तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और उसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू, तो किस पॉइंट पे, उसी पॉइंट जो हमने कहा तो वो जवाब आएगा माइनस तीन पर। तो पहले माइनस तीन का लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो लेफ्ट हो चाहे राइट हो लिमिट तो x टेंड्स टू माइनस तीन ही करेगा और आपको हम बता चुके हैं लिमिट के साथ हमेशा क्या लगता है विद्यार्थी, फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू माइनस तीन। अब जब फंक्शन लगाए fx तो fx का वैल्यू ढूंढना शुरू किए तो fx का तीन वैल्यू है, एक है मॉड एक्स प्लस थ्री ये तब जब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री, एक है माइनस टू एक्स ये तब जब माइनस थ्री लेस देन एक्स लेस देन थ्री, और एक है सिक्स एक्स प्लस टू तब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। अब कौन सा वैल्यू रखेंगे,
तो जवाब मिलेगा लेफ्ट निकालने वाले हैं विद्यार्थी, लेफ्ट हैंड लिमिट है। हाँ, मेरा देखते चलना है विद्यार्थी क्या होगा, स्टेप देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में ये सिंबल है एक्स लेस देन माइनस थ्री। अब ये सिंबल कहां है, तो एक्स लेस देन माइनस थ्री, या दूसरी भाषा में फिर वही बात बोले, जिनको लेस देन या ग्रेटर देन का अनुभव नहीं है उनके लिए, यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्स तरफ मुंह खुला हुआ है कि माइनस तीन तरफ, एक्स तरफ मुंह खुला हुआ है कि माइनस तीन तरफ, जवाब आएगा माइनस तीन तरफ। वही चीज इधर देखने, माइनस तीन यहां है और उसी के तरफ यहां मुंह खुला हुआ है, उस केस में फंक्शन का वैल्यू आपका आएगा मॉड एक्स प्लस थ्री। चूंकि बटा में कोई डाटा है नहीं, तो आप लिमिट का वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हैं और नहीं तो ये वाला वैल्यू रखते हुए रख सकते हैं। हम डायरेक्ट रख रहे हैं एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, इसका मतलब हुआ अब लिमिट का वैल्यू रख देंगे, जहां भी एक्स नजर आता है वहां माइनस थ्री, तो जवाब आएगा मॉड माइनस थ्री प्लस थ्री। मॉड इस माइनस को कर देगा प्लस, तो थ्री प्लस थ्री इक्वल टू सिक्स। तो ये जवाब आ गया विद्यार्थी लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब हम लोग निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, किस पॉइंट पर, तो माइनस तीन का डाटा तैयार हुआ तो माइनस तीन पे, तो माइनस तीन का राइट हैंड लिमिट है तो विद्यार्थी क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री, और लिमिट के साथ हमेशा फंक्शन सेट होता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस तीन एफ एक्स। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री, वो कंडीशन यहां ऐसे आप देख सकते हैं किधर मुंह खुला हुआ है, एक्स तरफ या माइनस तीन तरफ, तो जवाब आएगा एक्स तरफ मुंह खुला हुआ है माइनस तीन तरफ नहीं। तो यहां गौर करते हैं कहा माइनस तीन और एक्स में एक्स तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहां गौर करते हैं माइनस तीन और एक्स में एक्स तरफ यहां मुंह खुला हुआ है और उस केस में फंक्शन का वैल्यू है माइनस टू एक्स। ओके, जब ये रख दिए तो लिमिट रख दीजिए एक्स टेंड्स टू माइनस थ्री का मतलब है एक्स के जगह माइनस तीन, तो माइनस टू और गुना माइनस तीन, तो माइनस और माइनस प्लस छह। अरे वाह, लेफ्ट हैंड लिमिट भी छह आया, राइट हैंड लिमिट भी छह आया, तो क्या हम कर रहे हैं कंटिन्यूअस नहीं, तो क्या हम कर रहे हैं डिसकंटिन्यूअस नहीं, अब कुछ भी करना मुश्किल है, क्योंकि माइनस तीन का आप लेफ्ट निकाले हैं, माइनस तीन का राइट निकाले हैं, क्या माइनस तीन पर फंक्शन का वैल्यू निकाले हैं, तो जवाब आएगा नहीं, वो क्या है, तो एफ माइनस थ्री, एफ माइनस थ्री, एफ माइनस तीन का मतलब हो फंक्शन एफ एक्स में एक्स के जगह आप माइनस तीन पुट किए, माइनस तीन पुट किए एक्स के जगह, मतलब क्या एक्स का मान माइनस तीन से कम रखे, माइनस तीन से ज्यादा रखे, नहीं, एक्स के जगह माइनस तीन रखे, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस तीन रखे, और एक्स इक्वल टू माइनस तीन का कंडीशन यहां है विद्यार्थी, और उस केस में फंक्शन का वैल्यू था मॉड एक्स प्लस थ्री, तो यहां हो जाएगा मॉड एक्स और एक्स के जगह माइनस तीन, तो माइनस थ्री प्लस थ्री, मॉड माइनस तीन का वैल्यू तीन प्लस तीन मिला के छो। ऐसा करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ माइनस तीन तीनों बराबर आ जाता है, तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ माइनस थ्री, तो कर सकते हैं इसलिए एफ एक्स इज क्या कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, तो चूंकि तीनों बराबर है तीनों इक्वल है इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब हिंदी में बात करें तो एक्स बराबर माइनस तीन पर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, संतत है। चलिए, हमें निकालना था डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो माइनस तीन पे जब चेक किए तो पता चला माइनस तीन डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूअस है। चलिए, अब एक पॉइंट और रह गया, कौन सा पॉइंट, तो तीन,
क्योंकि यहाँ तीन के साथ भी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, तो उस पर चेक करेंगे। तो यहां से अब जैसे जैसे ये काम किए हैं वैसे वैसे इधर काम करते चलते देखते चलिएगा। एट एक्स इक्वल टू माइनस तीन, तो यहां लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू थ्री, क्योंकि इस बार थ्री पे चेक कर रहे हैं। उसके बाद संख्या रहेगा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां पर तीन, तीन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट साइड में राइट हैंड लिमिट। जैसे ही लिमिट शब्द बोलते हैं तो यहां लिमिट में x टेंस टू तीन लेफ्ट साइड से और x टेंस टू तीन राइट साइड से। लेफ्ट मतलब ही होता है तीन का, लेफ्ट का मतलब तीन से छोटा, तीन से छोटा मतलब x लेस देन थ्री, राइट का मतलब तीन से बड़ा मतलब x ग्रेटर देन थ्री। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन थ्री मतलब तीन से छोटा है x का वैल्यू, तो जब x का वैल्यू तीन से छोटा होगा तो तीन से छोटा कब प्राप्त होगा, तो जवाब आएगा तीन में कुछ घटाएंगे तो उस केस में पुट होगा x इक्वल टू थ्री माइनस। राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन तीन है मतलब x का वैल्यू तीन से बड़ा, तो तीन से बड़ा कब होगा, तो जवाब आएगा तीन में कुछ जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो पुट होगा x इक्वल टू थ्री प्लस एच, जहां h जो होता है वो छोटा सा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। अब इतना के बाद तो पीछे वाले सॉल्यूशन से देखते हैं, तो ये डाटा तैयार करने के बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे, राइट हैंड लिमिट निकाले थे और एक माइनस तीन निकाले थे। अब यहां हम क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप क्या निकालेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकते हैं कि यहां तीन का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तीन का राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और जिस टाइप से यहां फंक्शन ऑफ माइनस थ्री निकाले हैं उसी टाइप से यहां निकालेंगे फंक्शन ऑफ थ्री। तो चलिए वो निकालना शुरू करते हैं विद्यार्थी। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू थ्री और लिमिट के साथ हमेशा फंक्शन, लिमिट के साथ हमेशा फंक्शन। अब फंक्शन का वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू थ्री एफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कंडीशन क्या है, x लेस देन थ्री, या हम यू कह सकते हैं कि तीन तरफ मुंह खुला हुआ है कि x तरफ, तो तीन तरफ x तरफ में, तो x और तीन में तीन तरफ मुंह खुला हुआ का कंडीशन यहां है विद्यार्थी, और उस केस में एफ एक्स का वैल्यू है माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स रख दिए। अब क्या करें, तो x टेंस टू थ्री है तो x के जगह थ्री रखेंगे, तो माइनस टू गुना थ्री तो माइनस सिक्स, तो इस टाइप से आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर, तो राइट हैंड लिमिट में भी लिमिट x टेंस टू थ्री और लिमिट के साथ फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू थ्री एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन थ्री है मतलब x तरफ मुंह खुला हुआ है कि थ्री तरफ, तो जवाब है x तरफ, तो x तरफ मुंह खुला हुआ है और थ्री इधर है, उस केस में एफ एक्स का वैल्यू है सिक्स एक्स प्लस टू। अब इसमें x टेंस टू थ्री है तो x के जगह थ्री रखिए, x के जगह जब थ्री आप रखेंगे तो जवाब आएगा छ गुना तीन प्लस दो, छठारह प्लस दो बीस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकाले तो आया जवाब माइनस छ, राइट हैंड लिमिट निकाले तो जवाब आया बीस। इसका मतलब दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। तो इसके बाद इसमें निकला था एफ माइनस थ्री, तो उसी के अनुसार इसमें निकालना है हम लोगों को विद्यार्थी एफ थ्री। लेकिन यदि हम लेफ्ट और राइट को देखें तो पाई भी बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट जो एफ थ्री निकालेंगे वो कुछ भी आ जाएगा, तो क्या लेफ्ट राइट और एफ थ्री तीनों बराबर कर पाएंगे, नहीं, कहीं ना कहीं तो नॉट इक्वल लग जाएगा, और नॉट इक्वल टू लगेगा तो क्लियर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो अब हमारा वो मेहनत बच जाता है एफ थ्री निकालने का, क्योंकि यही पे हम लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए हम कह सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट
x इक्वल टू थ्री, मतलब x इक्वल टू तीन पर एफ एक्स असंतत है। ओके, तो इसमें डिसकंटिन्यूअस पॉइंट कौन सा निकला, माइनस थ्री या थ्री, तो जवाब आएगा थ्री, माइनस थ्री तो कंटिन्यूअस पॉइंट आ गया। तो चलिए सेवन नंबर समझ गए होंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर मिटा रहे हैं विद्यार्थी। आठ नंबर क्वेश्चन में एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉड एक्स वाई एक्स, ये तब जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और इतने बराबर जीरो तब जब एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसमें चेक करना है डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, तो यहां पर किस पॉइंट पे चेक करेंगे, तो जवाब आएगा जीरो पर। क्यों? क्योंकि साइड में जीरो का कंडीशन है, तो जीरो पर हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। जब जीरो पर चेक करेंगे तो पीछे के प्रॉब्लम्स के अनुसार संख्या रेखा नंबर लाइन खींचे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रियल नंबर लाइन, और इस पर हम दर्शाएंगे जीरो को। जब जीरो को दर्शा देंगे तो राइट साइड में होगा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड में होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट शब्द जैसे ही हम बोलते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। राइट का मतलब है जीरो के राइट साइड, मतलब जीरो से बड़ा, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, और लेफ्ट में एक्स लेस देन जीरो। जीरो से बड़ा तब तैयार होगा आपको जब एक्स बराबर जीरो में कुछ जोड़ेंगे, जैसे जीरो प्लस एक्स। लेफ्ट में है जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा तब तैयार होगा आपका जब एक्स बराबर जीरो में कुछ घटाएंगे, जैसे जीरो माइनस एच। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट की बात करते हैं, तो एक्स टेंस टू जीरो और लिमिट के साथ फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में कंडीशन है एक्स लेस देन जीरो का। अब गौर करते हैं एक्स लेस देन जीरो कहां है, तो जवाब आएगा कहीं नहीं, यदि सिंपल दिमाग से देखेंगे तो, लेकिन हम तो कहेंगे कहीं ना कहीं है, बस ढूंढिए। तो फिर से बात करते हैं, ढूंढा जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, एक्स लेस देन जीरो, मतलब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा। जीरो से छोटा जो होगा क्या वो इक्वल टू जीरो होगा या जीरो के नॉट इक्वल टू होगा। जीरो से छोटा जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो क्या जीरो से बड़ा वाला इक्वल टू होगा, नहीं। जीरो से छोटा हो चाहे जीरो से बड़ा हो, वो दोनों नॉट इक्वल टू में जाएगा। तो नॉट इक्वल टू का कंडीशन ये है, और उस केस में एफ एक्स का वैल्यू है मॉड एक्स बटा एक्स। इस बार हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यदि डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो मॉड जीरो बटा जीरो, यदि लिमिट इलेवेंथ क्लास के टॉपिक से देखते हैं तो वो अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो उसके लिए पहले इसको डिटरमाइन करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग पुट करते हैं सबसे पहले एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच। जवाब आएगा जीरो माइनस एच क्यों, जीरो प्लस एच क्यों नहीं, क्योंकि लेफ्ट निकालने वाले हैं इसीलिए जीरो माइनस एच। जीरो माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो जहां भी एक्स नजर आता है वहां आप रखेंगे माइनस एच। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तैयार होगा लिमिट माइनस एच टेंस टू जीरो मॉड माइनस एच बटा माइनस एच। तो लिमिट माइनस को जीरो में, तो एच टेंस टू जीरो मॉड माइनस एच बन गया एच, यहां बटा में माइनस एच कट गया, तो बच गया लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन। अब एच के स्थान पे जीरो रखेंगे, एच कहीं है नहीं, इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू माइनस वन।
इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस बार हम राइट नहीं निकाले हैं। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको तीन मान चाहिए, तो कहो तीन मान चाहिए तब तो लेफ्ट राइट और एफ जीरो भी निकालना होगा, तो हम राइट निकालते हैं। लेकिन हमें एफ जीरो का वैल्यू यहाँ जीरो दिख रहा है और हम पा रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू माइनस वन। यदि इस नजरिए से देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू माइनस वन है, अब राइट हैंड लिमिट चाहे जो आ रहा है उसको यदि हम विचार न करें और एक जीरो का विचार करें तो पाएंगे जीरो, तो आपको इशारा मिल रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन और एक जीरो का वैल्यू जीरो, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इस बार हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट कुछ भी आ जाएगा तो क्या तीनों बराबर होगा, तो जवाब आएगा नहीं। जब बराबर नहीं होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो अब राइट निकालने में जो मेहनत लगाना है उस मेहनत को बचा करके कम मेहनत करके एफ जीरो निकाल दीजिए। तो कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं क्या राइट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा। तो एक जीरो का वैल्यू जीरो, तो चूंकि हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ जीरो, तो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स असंतत है। तो इस प्रकार आठ नंबर प्रॉब्लम क्लियर हो गया विद्यार्थी, नोट कर सकते हैं समझ सकते हैं। अब हम मिटाएंगे नौ नंबर के लिए। मजेदार टॉपिक है, बस थोड़ा सा समझ रहे होंगे तो काफी आसान नजर आ रहा होगा। नौ नंबर ठीक इसी टाइप का प्रश्न है, फिर भी देखते हैं प्रयास आपको समझाने का। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई मॉड एक्स, ये तब जब एक्स लेस देन जीरो, और माइनस वन तब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें चेक करना है तो क्वेश्चन किस पर चेक करें, तो जवाब मिलेगा जीरो पर। क्यों? क्योंकि साइड में जीरो का कंडीशन एक्स के साथ लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू में है, तो हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो जीरो पर जब चेक करेंगे तो संख्या रेखा प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां जीरो, इस तरफ जीरो का लेफ्ट हैंड लिमिट, इस तरफ राइट हैंड लिमिट। अब यहां से x टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, लेफ्ट लिमिट है तो x लेस देन जीरो, राइट लिमिट है तो ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट है तो पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो माइनस एच, राइट है तो पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो प्लस एच। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू जीरो और लिमिट के साथ फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस देन जीरो, मतलब x का मान जीरो से छोटा, जीरो से छोटा भी ये है x बटा मॉड x। अब लेफ्ट है तो पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच, तो लिमिट माइनस एच टेंस टू जीरो माइनस एच बटा मॉड माइनस एच, तो लिमिट माइनस को जीरो में तो एच टेंस टू जीरो माइनस एच बटा एच, मॉड इस माइनस को कर दिया प्लस, तो कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन। अब एच टेंस टू जीरो है तो एच के स्थान पे जीरो रखेंगे, एच कहीं नजर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू आ गया माइनस वन। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट तैयार हो गया। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट के साथ फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन, तो राइट हैंड लिमिट में कंडीशन ये है एक्स ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन
जीरो इसमें है और उस केस में फंक्शन का वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ x से स्वतंत्र है तो डायरेक्ट वही माइनस वन हो जाएगा। अब f जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू जीरो के केस में भी माइनस वन है। यहाँ पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f जीरो तीनों बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f जीरो, तो इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर जीरो पर f x क्या है, संतत है, f x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक फिर से रिवीजन करके समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि इतना समझ में आ जाए तो आप आगे इस टॉपिक का क्वेश्चन बना सकते हैं, बना तो ठीक है, नहीं बना तब भी ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम 10 नंबर क्वेश्चन से आगे लेकर आएंगे। तब तक आज इतना ही रख लेते हैं।